हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल डायनेमिक नॉलेज ग्रुप पे। मेरा नाम है विकास और फ्रेंड्स आज हमारी क्लास नंबर 58 है और ये स्पेशल क्लास होने वाली है वॉच टेस्ट पे। और वॉच टेस्ट में फ्रेंड्स जो डाउट्स आ रहे हैं आप लोगों के उन पे ये क्लास है, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैंने कमेंट्स को देखा, क्योंकि आज ऐसा था कि पहली बार हम लोगों ने क्लास में 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे जो कि एक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे अलग अलग क्वेश्चन पे कि सर ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, इसका ये होना चाहिए, आप लोगों के डाउट्स थे। तो फ्रेंड्स मैं पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जो क्वेश्चन सारे क्वेश्चन के आंसर सही हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं या कोई और भी एक्स टीचर अगर आपको कोई चीज़ बताएगा तो वो पूरी एनालिसिस के साथ बताएगा, ऐसा नहीं है कि वो गलत बताएगा। तो पहले तो वो पूरा वेरीफाई करके ही आपको बताएगा। तो यहाँ पे गलती आपकी भी नहीं है, गलती दो छोटे छोटे पॉइंट्स की है जिन पे मिस्टेक्स हो रही है, क्योंकि मैंने और भी वॉच की, जैसे कि हम लोगों ने 6 से 7 वॉच पे प्रैक्टिस सेट कर रखे हैं, मैंने सारे के कमेंट्स को पढ़ा तो ये पता चला कि जो कन्फ्यूजन्स हैं वो फ्रेंड्स किस किस टॉपिक पे हैं वो मैंने कवर किए हैं। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन के और से है जो लोग हिंदी के क्वेश्चंस को प्रेफर कर रहे हैं उनके लिए। क्वेश्चन को अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो के और से वाली दिक्कत आपको नहीं होगी, इतना श्योर है। और थर्ड वाली दिक्कत है वो फ्रेंड्स त्रिभुज के शीट्स या वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल इस पे है। तो मैंने सोचा कि आज की क्लास स्पेशल इसी पे, मतलब ये सारे डाउट्स पे होनी चाहिए। आज का क्लास बनाने का मेरा कोई मूड नहीं था, लेकिन फ्रेंड्स अभी आप लोगों का कमेंट देखा तो मैंने सोचा कि मतलब ये डाउट्स आपके जल्दी से जल्दी दूर होने चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम के लिए भी टाइम अभी बहुत कम ही है। रिजल्ट हो सकता है कि 5 से 10 दिन में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद जल्दी से इसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आज हम इस डाउट को दूर करेंगे कि के और से दिया होगा, वहाँ पर एक दो एग्जाम्पल्स लेंगे, उसके बाद ये डाउट क्लियर होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि के कहते हैं, जैसे कि पता चला कि D1 को R5 से बदला, इसके दो बाएं जाएं, या के होगा एक से होगा कि इससे जाएं और इसके बाद जाएं, ठीक है। इस टाइप के डाउट होंगे भी क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा फ्रेंड। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि के लिए क्या है। के जहाँ पर दिया होगा फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ डिस्प्ले पर, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। R5 के बाएं चलते हुए चौथा अंक के सामने का अंक कौन सा होगा। R5 के बाएं चलते हुए चौथा अंक, मतलब R5 के बाएं चौथा अंक जाना है, ठीक है। तो R5 पे बैठ गए, बाएं मतलब लेफ्ट, ठीक है। इतना तो देखो राइट लेफ्ट का तो क्लियर होगा फ्रेंड्स, अगर ये भी डाउट है तो ये भी क्लियर कर लो, क्योंकि आज ही एक फ्रेंड का कमेंट आया था कि राइट लेफ्ट में दिक्कत हो रही। तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात है आप घड़ी की सुई पर बैठ जाएँ और बाहर की तरफ देखें, डजेंट मैटर कि किस साइड में सुई है, इस साइड में है तो इधर को नीचे इधर बाहर की तरफ देखते हुए बैठ जाएं, इधर है तो इधर, कहीं भी हो एक्स वाई जेड, आपको घड़ी की सुई पे बैठ जाना है, बाहर की तरफ देखना है, मतलब सेंटर से बाहर की तरफ देखना है। आपका जिधर राइट होगा, जिधर लेफ्ट होगा, उधर ही राइट लेफ्ट लेना है। ये तो राइट लेफ्ट का डाउट क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक फोर्थ में राइट लेफ्ट भी यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। उसके बाद में फ्रेंड्स राइट लेफ्ट का हो गया, तो हमें जैसे ये क्वेश्चन पे ही देखते हैं कि R5 के बाएं चलते हुए, तो देखो K पे मैंने सर्कल किया हुआ है, R5 के बाएं चलते हुए चौथा अंक के सामने का अंक कौन सा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे K की बात हो रही है, तो R5 से बाएं चलते हुए तो बाएं किधर है, इस पर बैठ जाएँ, इधर को देखेंगे तो बाएँ मीन्स लेफ्ट, और लेफ्ट फ्रेंड किधर होगा, इस साइड में होगा। तो फ्रेंड्स जहाँ पर K होगा, K से हमें क्या करना होगा, K को काउंट नहीं करते जब हम गिनते हैं। अब के से हमें चौथा जाना है, तो चौथा फ्रेंड्स इसको काउंट नहीं करेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, यहाँ पे आ गया, ऐसे गिनना है 1 2 3 4। यहीं पे से होता फ्रेंड्स तो 1 2 3 4 गिनना जाता, ठीक है। अभी क्वेश्चन कराते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। बाएं चलते हुए चौथा अंक के सामने का अंक कौन सा है, तो चौथा अंक ये है, इसके सामने का अंक कौन सा है, 5, ठीक है फ्रेंड। तो इसका 15 का आंसर हो जाएगा हमारा 5, 15 का आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 5। तो इस तरीके से तो एक तो ये के वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो यहां पे मैं अगर हिंट में लिखाना चाहूं तो यहां पे अगर लिख सकते हैं आप कि के में क्या होगा फ्रेंड्स, के में जहां से चलेंगे उसे काउंट नहीं करेंगे, के में जहां से चलेंगे उसे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन से में क्या होगा फ्रेंड्स, से में
इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, ये से और के का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। मैं कोई क्वेश्चन देखता हूँ जिसमें से हो। हाँ फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हमें थोड़ा सा वॉच को मतलब चेंज करना पड़ेगा और उसके बाद में हम ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वॉच को कर लेते हैं चेंज और इसके बाद हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन, ये डिस्प्ले पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा फ्रेंड्स। A2 N5 C4 F3 M4 D2 G1 T1। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पे क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर में देखिए T1 को F3 से बदलें, फिर F3 को D2 से बदलें, तो उत्तर से वामावर्त। देखो वामावर्त पे से पे देखो सर्कल मैंने बनाया है, उत्तर से वामावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, उस चीज़ को भी समझ लेते हैं। इसमें देखो फ्रेंड्स कह रहा है टी वन को एफ थ्री से बदलें, तो टी वन को एफ थ्री से जब बदलेंगे तो यहाँ पे फ्रेंड्स एफ थ्री हो जाएगा और यहाँ पे टी वन हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई। उसके बाद कह रहे हैं एफ थ्री को डी टू से बदलें। अब एफ थ्री को डी टू से बदलें तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टू हो जाएगा। इसे हम डबल सर्किल में कर लेते हैं और एफ थ्री यहाँ पे हो जाएगा, इसे भी डबल कर लेते हैं, ये फाइनल पोजीशन आ गई। ठीक है, से बदलें तो उत्तर से वामावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा। उत्तर से वामावर्त, उत्तर से वामावर्त फ्रेंड्स, चलो एक चीज़ और क्लियर कर लो कि ये वामावर्त और दक्षिणावर्त, तो वामावर्त देखो वामावर्त से बायां, यहाँ पे दायां, तो बायां का मतलब हो गया लेफ्ट राइट, और लेफ्ट का मतलब हो गया एंटी क्लॉक वाइज, ये हो गया क्लॉक वाइज। ठीक है, ये ये भी बहुत बड़ा डाउट है, तो ये भी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। चलो अब क्वेश्चन को कंटिन्यू कर दें। क्वेश्चन है टी वन को एफ थ्री से, एफ थ्री को डी टू से बदलें, तो ठीक है बदल तो हमने लिया है, उत्तर से वामावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा। तो उत्तर से फ्रेंड यहाँ से, ठीक है, अब से है, से में हमें क्या है, से में इसमें काउंट करेंगे। ठीक है, इसमें काउंट करेंगे मतलब इसे काउंट किया जाएगा। अब कह रहे हैं उत्तर से वामावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा, तो देखो फ्रेंड्स पहला अब होगा ये और दूसरा होगा ये। ठीक है, दूसरा यहाँ वाला होगा ये वाला, ये चीज़ हमें से और के में डिफरेंस है। तो दूसरा यहाँ पे फ्रेंड्स होगा, तो यहाँ पे फिलहाल तो अब अंक कौन सा आ गया, अब यहाँ पे P2 आ गया है, तो यहाँ पे अंक पूछ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा फोर्थ का आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, तो से और के डाउट जहाँ तक उम्मीद है क्लियर हो गए होंगे। अब आप देखना आपको कोई क्वेश्चन गलत नहीं लगेगा फ्रेंड्स, ये आपका डाउट जेन्युइन था, क्योंकि इतनी छोटे सी चीज़ में मतलब डिफरेंस निकालना बहुत महंगा था, वो आप लोगों के इतने डाउट्स थे, तो मैंने इस चीज़ पे ध्यान दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन पे डाउट क्यों है, तो पता चला कि वो डाउट्स से और के वाले ज़्यादा थे। उसके बाद फ्रेंड्स ये सीड्स वाले कुछ डाउट्स हैं और ये वामावर्त और दक्षिणावर्त वाले थे। तो फ्रेंड्स इसे अब रफ कर देते हैं, अगर आपको नोट करना हो तो ये पॉइंट आप नोट कर सकते हैं अपनी मतलब नोट्स में। अब राइट लेफ्ट का भी क्लियर हो गया फ्रेंड्स, अब ये त्रिभुज के सीड्स वाला देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स त्रिभुज के सीड्स में क्या करना है, त्रिभुज के सीड्स में देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखो कुछ टाइप्स के ट्रायंगल बनेंगे, जैसे कि यहां पे चलो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, देखो सब एक ट्रायंगल कैसा आ जाता है, एक ट्रायंगल ऐसा आ जाता है कि वो इस तरीके से आपसे पूछ लेगा, जैसे यहाँ से ये मिला, ये मिला और ये मिला। ठीक है, इस तरीके से मिला,
तो सबसे पहले तो हमें ये एक इससे पिछली वाली जो क्लास क्लॉक वाली हुई थी उसमें मैंने बताया था, और कि आपको क्या करना, आपको ये देखना है कि त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर कौन सी हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, देखो इसके और इसके बीच में एक ये पॉइंट आ रहा है, इसके और इसके बीच में दो आ रहे हैं, इसके और इसके बीच में भी दो आ रहे हैं, मतलब ये दोनों बराबर हैं। दोनों बराबर वाली भुजाएं जहाँ पे मिलती हैं यही माना हो जाता है शीर्ष या वर्टेक्स। ठीक है, एक चीज फ्रेंड्स ये हो गई। दूसरी चीज, यहां पे क्वेश्चन इस तरीके से भी हो सकता है, यहां पे एक टाइप का क्वेश्चन ये बन जाता है कि ये दोनों चीजें मिली होती हैं और ये चीज ऐसे होती है। तो मैंने यहां पे बताया था कि नीचे जो सबसे बड़ी वाली भुजा होती है लास्ट से लास्ट क्लास में वॉच वाली, कि जो सबसे बड़ी वाली होती है ये हो जाती है बेस या आधार और ये शीर्ष हो जाता है। लेकिन यहाँ पे भी लॉजिक से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि क्या है कि ये इसके और इसके बीच में देखो कितने पॉइंट्स हैं, एक दो तीन, इधर भी देखो एक दो तीन। लेकिन फ्रेंड्स इसके और इसके में देखो तो एक है, इसके और इसके में देखो एक है, मतलब दो बराबर की भुजाएँ हैं, ये जहाँ पर जाके मिल रही हैं वही हो गया शीर्ष या वर्टेक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि सीड्स में क्या है, दो भुजाएं जो बराबर की हों वो जहाँ पे मिलेंगी तब हमारा वही वर्टेक्स हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन में ऐसे भी हो सकता है वर्टेक्स ये भी आपका हो जाएगा, ये चीज़ भी ध्यान रखना है। अगर आपका ये इस तरीके से मिलवा रहा है ना तब भी आपका सीड्स ये वाला हो जाएगा। हमें देखनी है दो भुजाएँ बराबर कहाँ पर मिल रही हैं। देखो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, यही इसी वाली वॉच में आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, M4 G1 C4 को मिलाते हुए, M4 इसे रफ कर दो, M4 G1 C4 C4 M4 G1 और C4, ये यहां पे ध्यान देना थोड़ा ये, ठीक है फ्रेंड्स, को मिलाते हुए त्रिभुज बनाए हैं। ठीक है, इस त्रिभुज के शीर्ष के अंक के सामने का अंक के दक्षिणावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा। तो फ्रेंड्स देखना, अब इसमें शीर्ष कौन सा होगा, हमें क्या दो भुजाएं, ये इनके बीच में एक है, इनके बीच में भी एक पॉइंट है, तो ये दोनों बराबर हो गई तो हमारा शीर्ष क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, मतलब वर्टेक्स हो गया M4। क्वेश्चन को आगे करते हैं कंटिन्यू, इस त्रिभुज के शीर्ष के अंक के सामने का अंक के दक्षिणावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा, मतलब इसके शीर्ष के अंक के सामने का अंक के दक्षिणावर्त अंक कौन सा होगा। तो दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। ठीक है, यहां पे भी फ्रेंड्स देखो के है, तो के का क्या बताया था कि के और से में के को काउंट करेंगे, के में क्या है जहां से चलेंगे उसे नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है इसे काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन को फिर से देख लो कि इस त्रिभुज के शीर्ष के अंक के सामने का अंक, इसके शीर्ष के अंक के सामने का अंक के दक्षिणावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा। तो के मतलब इसे काउंट नहीं करेंगे, के दक्षिणावर्त दूसरा अंक कौन सा होगा, पहला और दूसरा ये वाला, मतलब C4। इसका फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा 10th का C4। ठीक है, तो इसका अंक हो जाएगा 4। तो फ्रेंड्स यहां पे हम लोगों ने डाउट मतलब जो कवर किए के से राइट लेफ्ट दाया बायां बामावर्त दक्षिणावर्त, इन चीजों के अलावा फ्रेंड्स मैं नहीं मानता हूं कि शायद कोई और डाउट हो सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी डाउट हुआ करे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखा करें, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हैं, मैं आपका एक एक मैसेज पढ़ने का, एक एक बंदे के मैसेज का रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करता हूं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से अगर कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डालें, और मतलब उसके बाद कोई डाउट नहीं रहना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि यहां पे ऐसा है कि क्वेश्चन होंगे हमारे पास 10 और 10-20 होंगे, और हमारे पास 10 मिनट का टाइम होगा, और फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ हों और पता चला इजी क्वेश्चन हम गलत कर दें। जैसे ये तो बेसिक टॉपिक थे, इन पे तो क्वेश्चन होंगे ही होंगे,
और इन्हीं पे हमारे गलत हो जाएंगे, तो यहाँ हमें इस वॉच वाले टॉपिक में दिक्कत हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं मतलब आप लोग बताएं कि वॉच वाले टॉपिक पे और ज़्यादा क्वेश्चन कराए जाएं या किस टॉपिक पे कराए जाएं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते हैं, उसी के हिसाब से मैं आगे की क्लास डिज़ाइन करने की कोशिश करता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि डाउट उन लोगों को भी ना रहे। और मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रैक्टिस सेट के साथ। मस्त रहें, स्वस्थ रहें और प्रैक्टिस करते रहें फ्रेंड्स।